सो इन दिस लेक्चर नंबर 136 जो हमारा क्लास फिफ्थ का 10th चैप्टर हम लर्न करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सुप्रीमो. लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. सो इन दिस लेक्चर नंबर 136 जो हमारा ये जो लेक्चर नंबर 136 में चैप्टर नंबर 10 हम लर्न करेंगे एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर का नाम क्या है? द सुप्रीमो. द सुप्रीमो ओके. तो आप नोटबुक में आज का डेट एंड लेक्चर नंबर एंड यूनिट चैप्टर का नंबर चैप्टर नेम वगैरह लिखो एंड आराम से नोटबुक में लिखे रखो. Okay, now we have to read the activity number 1. Study the shadows and mention the time of the day. आपको इधर क्या करना है? ये जो shadows देखे आपको time लिखना है. आपको मैं एक बार जिस सिखाता हूँ. इसमें आप इधर देख रहे हो directions, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में north, south, east and west. तो सूरज जहाँ उठता है ईस्ट एंड कहाँ सेट होता है सनराइज ईस्ट में एंड सनसेट वेस्ट में. ठीक है. तो जहाँ सूरज उठता है तो वहाँ से वहाँ की ऑपोजिट में होगा, वहाँ की ऑपोजिट में होगा ये जो शैडोस आता है. ठीक है. तो मॉर्निंग टाइम में आपको पता है ईस्ट में जो सूरज उठता है तो एकदम लंबा ये जो शैडो होता है. ठीक है. तो ये जो टाइम इधर जो आप एक ट्री के ऊपर लिटरी करना है तो ट्री की जिस साइड पे लाइट आता है उसकी ऑपोजिट साइड में शैडो होता है ना. तो ये लॉन्ग शैडो मतलब सुबह सुबह के टाइम होता है एंड शॉर्ट एकदम शॉर्ट छोटा शैडो होगा तो ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम में हो जाता है. ठीक है. एंड ऑपोजिट साइड में यानी ईस्ट साइड में अगर शैडो है, ध्यान से सुन लेना, अगर ईस्ट साइड में शैडो दिख रहे तो उसका मतलब है सूरज कहाँ है? वेस्ट में है. मतलब वेस्ट है मतलब शाम के टाइम हो गया, मतलब सूरज सेट होने का टाइम होता है. ठीक. एंड ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको शैडो वेस्ट में देखने के लिए मिलता है, वेस्ट साइड पे देखने के लिए मिलता है तो उसका मतलब है कि सूरज ईस्ट में है एंड वो सूरज उड़ता ही है ईस्ट में, ये वो मॉर्निंग टाइम होता है. ठीक. तो इतना आपको समझ में आया है तो आप ध्यान से क्या करोगे, ये जो ए बी सी डी ये चारों टाइम कौन सा है वो आपको लिखना है. तो ए टाइम देखो, चार टाइम दिया गया है. इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि शैडो किस साइड पे है? ईस्ट में है. तो मतलब क्या है, एकदम छोटा है शैडो एंड जो सूरज कहाँ होगा? वेस्ट साइड में, क्योंकि जहाँ सूरज होता है उसको ऑपोजिट साइड में शैडो होता है ना. तो छोटा है तो मतलब दोपहर के टाइम है. तो दोपहर के टाइम दिखाने के लिए इधर कौन सा है? 2:15 PM. यस. तो ए में लिखो आप 2:15 PM एंड बी में देखो सूरज कहाँ है? ईस्ट साइड में है एंड वेस्ट साइड में आपको दिख रहे लेफ्ट साइड में वेस्ट साइड में शैडो एंड शैडो एकदम बड़ा है ना, एकदम लॉन्ग. तो मतलब सुबह सुबह का टाइम है ना, सुबह सुबह का टाइम यानी इधर क्या है टाइम? 7:30 AM. ओके. एंड सी में देखो ईस्ट साइड में है तो इवनिंग टाइम होता है, इवनिंग टाइम. तो इधर 5:30 PM. एंड डी में वेस्ट साइड में शैडो है, थोड़ा छोटा है तो मतलब सूरज उठ के थोड़ा टाइम हो गया. तो दैट इज़ द टाइम 10 बजे. 10 AM. द टाइम इज़
10 AM. ओके, तो आपने लिखा होगा. तो नाउ एक्टिविटी नंबर 2 है, मेक ए चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम. ठीक है, इधर आपको टाइम दिया गया है 6, 9, 1 PM, 5 PM, 7 PM, 10 PM. तो इस टाइम में आप नॉर्मली क्या करते हो वो आपको लिखना है वहाँ. समझ में आया? तो आपकी ये जो नोटबुक में एंड टेक्स्ट बुक में, पहले टेक्स्ट बुक में लिखो, उसके बाद फाइनली आप नोटबुक में लिखे सर्कुलेशन करना है. आपकी जो एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यू नॉर्मली डू इन दिस स्पेसिफिक गिवन टाइम. ओके, तो ये जो टाइम है आप क्या क्या काम करते हो लिखे रहो. ओके, एंड दिस इज द एक्टिविटी नंबर 3, स्टडी द पोएम द सुप्रीमो, जो हमारा चैप्टर का भी नाम है द सुप्रीमो. एक बार जैसे हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटी नंबर 3 द सुप्रीमो, अब सर के साथ साथ रीड कर लेना. When the great sun comes up at dawn, he is the king of the sky. He says to the stars, get out of my sight, be gone, and the moon turns perfectly white. In the powerful light, then he climbs the sky to the height of noon and sits on his throne, brighter than bright, and reigns alone. But when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins the ebb and wane to ebb and wane. And when he goes down in his kingly way, at the end of the day, he ceases to reign, the darkness falls, the stars come out, and night returns to the world again. To the world again. So this is a beautiful poem, Supremo, written by Mary Britton Miller. Okay, so what are the keywords, nine words आपको क्या सीखने मिला है? Dawn, dawn मतलब early morning, and be gone मतलब go away, and reigns, reigns मतलब rules, भरण करने को कहते हैं reigns. Descends, descends means goes down, and to ebb and wane, इसका मतलब इधर है टू लॉस पावर, टू फेड, मतलब पावर कमजोर हो जाने को कहते हैं टू लॉस पावर. एंड सीसेस मतलब स्टॉप्स, सीसेस मतलब स्टॉप्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप देख रहे हो, तो यू विल गेट द आंसर इफ यू रीड द पोएम वेरी वेल. ओके, सो यू कैन जस्ट रीड द पोएम अगेन एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर दैट कम टू योर माइंड. ओके, यू हैव टू जस्ट ट्राई इट अलोन. नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 4, एडजेक्टिव्स आर डिसेंडिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आपको पता है एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया था पिछले काफ़ी लेक्चर में, जो ग्रामर की क्लासेस में. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, यानी किसी भी नाम के बारे में डिस्क्राइब करते हुए वर्ड्स होता है वो एडजेक्टिव्स कहता है. ओके, सो इन द गिवन पोएम यू हैव रेड सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक पावरफुल लाइट. तो मतलब लाइट के बारे में क्या बोला? पावरफुल. ओके, तो इस तरीके से आपको 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो पोएम के अंदर से आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो दैट इज द वर्क यू हैव टू डू. नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी नंबर 5. एक्चुअली आपको ये जो मैच द कॉलम ए विथ बी, एक के ए और बी के साथ मैच द फॉलोइंग करना है.
यू कैन जस्ट सी ग्रेट पावरफुल लॉन्ग किंगली. ओके यू कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट नाउन जो डिस्क्राइब किया गया. ठीक है, एंड एक्टिव नंबर सिक्स इज काइंड ऑफ फ्रेसेस वर्ब है, फ्रेसल वर्ब्स के बारे में है. फ्रेस के दैट यू कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. एंड एक्टिव नंबर सेवन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सन. ओके, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, एक बार पॉज करके कैन रीड इट एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सन. एंड फैक्ट्स अबाउट द मून यू कैन जस्ट फाइंड आउट by Google and write some facts about the moon. अब थोड़ा self research करके search करके आप facts about moon के बारे में textbook में लिख के रखना है. ठीक है, एंड इधर आपको एक्ट नंबर एट में एक poem दिया गया है, Stars in the Night. ठीक, सो हमने अभी ऑलरेडी रीडिंग प्रैक्टिस किया है सुप्रीमो एक poem. ठीक, तभी जो हमारा एक दूसरा poem है Stars in the Night. ठीक, तभी आप आराम से जोर से रीड करके प्रैक्टिस कर लेना. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फॉर यू, बट यू कैन रीड इट लाउडली, रीड करो जोर से रीड करके, ओके प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, एंड ये जो पोएम है रिटन बाय देव एलन वॉकर. ओके, एंड इसके अंदर जो भी न्यू वर्ड्स है जो आपको फाइंड आउट करना है, एंड यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड everything that is given in the textbook. Okay, so underline the hard words, underline karo hard words, uske sath sath jo uska spelling bhi learn karke aapko notebook mein likhe rakhna hai. Okay, so now let's come to the poem on the sun and poem on the stars. Okay, abhi humne do poem read kiya hai, poem on the sun, sun ke bare mein bhi, and poem dusra stars ke bare mein. So what you want to do is that आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करना है कि उन दोनों में से क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, तो आप इधर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आप नोटबुक इधर टेक्स्टबुक में लिख सकते हो. एंड उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द पोएम अगेन एंड अगेन. आपको करने के लिए वो पोएम रीड करना है फिर से. एंड एक्टिव नंबर नाइन इज योर That is about paragraph on uses of solar energy. आपको मैंने काफ़ी लेक्चर में पैराग्राफ राइटिंग का दिया था, एंड इधर एक्चुअली एक एक्टिविटी है जो आपको यूसेस ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत पॉइंट्स भी इधर दिया गया है, सम ऑफ द पॉइंट्स एंड हिंट्स गिवन, सो यू कैन कलेक्ट, यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन कलेक्ट मोर पॉइंट्स ताकि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ कम्प्लीट कर सके. ठीक है, so activity number 10 is also a kind of game है, a kind of extra work है. जो sun, आप ये काम करो, sun and star ये दोनों अलग अलग language में क्या क्या बोलते हैं, मतलब minimum 5 language में sun and stars को क्या क्या कहते हैं. कोई भी language आप choose कर सकते हो और उसका language का नाम लिखो, और उसको star को क्या बोलते हैं वो लिखो, एंड moon को क्या बोलते हैं, sun को क्या बोलते हैं वो भी आप लिखना है, एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वर्क है. ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा जो 10th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एंड वी विल कम टू द नेक्स्ट लेसन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो इसके अंदर हमने थोड़ा बहुत एक्टिविटीज लर्न किया है, एंड स्पेशली इन दिस लेसन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सन एंड स्टार. सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया एंड थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने खुद रीड किया है सन के बारे में भी, एंड एक एक्टिविटी मैंने आपको कहा था मून के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखने के लिए, एटलीस्ट 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मून के बारे में लिखना जो आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेस दिया गया है उसमें. ठीक, तो आप लर्न करते रहो, एंड जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको कहा है कंप्लीट करने के लिए वो सब आप रीड करके प्रैक्टिस करके लर्न करना, एंड बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको लर्न करने के लिए मिला होगा इस लेसन में. तो आपको क्या करना है, हर बार सर आपको वीडियो लेक्चर में कहता है न्यू वर्ड्स ऐसा हेडिंग देके, आपको जो भी न्यू वर्ड्स लर्न करने के लिए मिला है वो नंबर बाय नंबर 1, 2, 3 करके लिख के वर्ड्स लिखना है. ठीक है, खाली खाली वर्ड्स लिखने से नहीं होगा, आपको उसका
स्पेलिंग भी लर्न करना है एंड वो कुछ सेंटेंस में भी यूज करने के लिए प्रैक्टिस करना है. ओके, सो दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू बाय द कम्प्लीशन ऑफ दिस लेसन. तो ये लेसन कम्प्लीट करते होते आपको बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिला है एंड ये जो एक्टिविटी भी आपको करना है. ओके, तो आप सेफ रहो घर पे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.